नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चल करके सोहरानपुर में हम आ गए हैं। पंचायत समिति उम्मीदवार ज्योति कुमारी के प्रतिनिधि से हम बात करेंगे कि जनता जनार्दन के बीच में किस तरह से काम करेंगे। आप जीते हुए हैं और विस्तार से किस तरह से काम होगा सर, उसके बारे में बताएं। हाँ सर, हम हमेशा चाहें कि हमारी जो प्रतिनिधि है ज्योति कुमारी, वो 5 वर्ष पहले भी जीती थी और इस बार भी उम्मीद नहीं, पक्का हम कहते हैं कि जीतेगी, लेकिन ये बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। लेकिन इनके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, जो इनका सासू माए थे उनको तबीयत खराब हो गया, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। 1.5-2 बरस तो अपना सासू माए के सेवा में समाप्त इनका हो गया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, 2 साल लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद फिर पंचायत चुनाव आ गया, तो ये विशेष नहीं कुछ कर सके और पंचायत समिति का कुछ विशेष फंड नहीं था, इसलिए ये जितना बना जनता को सेवा किए, लेकिन विकास का काम सिर्फ मुखिया का है। जितना भी काम फंड आया उसका तो मुखिया और वार्ड को आया, इनको जितना फंड मिला एक बेहतर ढंग से काम किए, लेकिन जनता के हर तकलीफ को, हर मजबूरी को इन्होंने देखे और इसी के चलते मैं आज इनका साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा, इसलिए कि जितना ये काम किए हैं वो बहुत बेहतर ढंग से किए हैं और जनता के बीच जो भी बात हुआ है वो बहुत प्रेम भाव से बोले चाले रहे, इसलिए जनता इस बार भी इनको जिताना चाह रही है कि ऐसा मेरा पंचायत समिति उम्मीदवार कोई नहीं, कोई नहीं, इनके माने टक्कर का कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कौशल पासवान। सीधा देखिए कि इनका यही कहना है क्या कि पंचायत समिति उम्मीदवार का काम होता है कि बहुत ही तरह से पंचायत में जो भी काम है कि जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा के ऊपर नली का जो भी वार्ड के अंदर में आता है वह देखना, और स्वास्थ्य भी होता है, यह सारे काम को देखा जाता है। लेकिन फिर से तो जनता जनार्दन से एक ही अपील है कि फिर से इनको आप भारी मतों से जीत लाइए और यह और भी बढ़िया से बढ़िया विकास करके दिखाएंगे। इनका एक ही कहना है कि इनका चुनाव जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है 4-5 छापे क्रमांक संख्या 2, तो जनता जनार्दन से कि आप अगर चाहते हैं और विकास तो फिर से इनको जीत दिलाइए। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार रोशन, भारत न्यूज 24।